दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। और आज की बात में बिहार की बात। बिहार में चुनाव हो रहा है और कोरोना के दौर में असेंबली का, पूरी विधानसभा का यह पहला चुनाव है भारत में। इसके पहले जो चुनाव हुए वो बाई इलेक्शंस हुए थे या राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हुए थे, लेकिन ये एक फुल फ्लेज्ड एक पूरी असेंबली का ये चुनाव है। इस चुनाव की एक दिलचस्प बात जो सामने आ रही है दोस्तों, वो ये कि शुरू में ये लगा कि अपोजिशन जो है वो उतना यूनाइटेड नहीं है या उसके गठबंधन का कोई स्वरूप उभर कर नहीं आ रहा है। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खींचतान मची है, लेकिन अपोजिशन ने पहले गठबंधन का ऐलान कर दिया और जेडीयू बीजेपी जो राज कर रही है राज्य में, जिसकी सत्ता है नीतीश कुमार की अगुवाई में, उसके गठबंधन में ही एक पेंच फंस गया है। और वो पेंच क्या है? वो पेंच है रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी का, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एनडीए यानी सत्ताधारी दल, सत्ताधारी गठबंधन का अविभाज्य अंग रहा है। लेकिन इस बार एनडीए को लेकर, एनडीए में अपने एसोसिएशन को लेकर एलजेपी ऐसा लगता है कि उसके पास कोई दूसरा फार्मूला है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं रामविलास पासवान, जो मंत्री हैं, वो बहुत अस्वस्थ हैं और हम चाहेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ हों ताकि वो भी चुनाव में कैंपेन कर सकें अपनी पार्टी के लिए। लेकिन अभी उनके पुत्र चिराग पासवान पार्टी का सारा कामकाज देख रहे हैं, चूंकि परिवार केंद्रित पार्टियों में ऐसा होता है। और चूंकि चिराग पासवान नौजवान हैं, हो सकता है उतने अनुभव की कमी हो उनको जितने कि उनके पिता के पास है, जाहिर है उतना अनुभव नहीं है। तो उन्होंने जो नए फार्मूले कुछ सामने लाए हैं उससे एनडीए के गठबंधन में एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। और बहुत सारे लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये सिर्फ चिराग पासवान की स्ट्रेटजी का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं संपूर्ण लोक जनशक्ति पार्टी और कहीं ना कहीं उसको कोई निर्देशित करने वाली जो शक्ति है वहां से ये सब कुछ तय हो रहा है या ये इस तरह की स्ट्रेटजी सामने आ रही है। एलजेपी कह रही है कि वो बीजेपी का तो कहीं विरोध नहीं करेगी बिहार के चुनाव में, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जहां भी खड़े होंगे वहां वो हरगिज उनका विरोध नहीं करेगी, लेकिन जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार होंगे वहां वो कैंडिडेट पुटअप करेगी। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि रामविलास पासवान जी केंद्र में एनडीए के साथ हैं, लेकिन एलजेपी राज्य में एनडीए के साथ नहीं रहेगी या नहीं रहना चाहती, उसने लगभग तय कर लिया है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जो हैं उनकी तस्वीर को नहीं छोड़ेगी। उनका कहना है कि हम तो हर पोस्टर पर उनकी तस्वीर लगाएंगे। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि ये कैसा अलायंस, इसका क्या मतलब है। बल्कि जेडीयू के कई नेताओं ने तो ये तक कह दिया, नीतीश कुमार को भी एक तरह से उन्होंने आगाह कर दिया कि अगर हम में दम है तो जेडीयू को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी हालत में ये बीजेपी क्या खेल कर रही है और चिराग पासवान की जो पार्टी है वो किस तरह की बातें कर रही है। ऐसे में जेडीयू को अलग चुनाव लड़ना चाहिए। और हमें जो जानकारी है कि एक पार्टी की बैठक में वहां की कैबिनेट के एक वरिष्ठतम मंत्री जो जेडीयू में है उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई हम तो आम लोगों को अलग चुनाव लड़ना चाहिए। जब ये सारा प्रेशर बन गया तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को साफ कर दिया कि इस तरह की चीज नहीं हो सकती, ये साफ कीजिए कि एलजेपी की क्या पोजीशन है आपको लेकर और आपका उनसे क्या रिश्ता है। तब जाकर बीजेपी को कल अनाउंस करना पड़ा जेडीयू के नेताओं के साथ कि चुनाव में नतीजा जो भी आएगा, जिसकी जितने भी मेंबर जीत कर आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उनके नीतीश कुमार जी होंगे और कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है। एलजेपी कभी नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी अगर वो अलग लड़ रही है जैसा कि उसने दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी पेंच फंसा हुआ है। और वो पेंच क्या है? वो पेंच यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो एनडीए का पार्ट है, जो एनडीए का एक घटक है, केंद्र में उसके मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, और रामविलास पासवान जी के सुपुत्र
चिराग पासवान सांसद हैं और इस पार्टी ने 6 सीटें लड़ी थी लोकसभा में, 6 जीती थी। और लेकिन जब आपको याद होगा कि 2015 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब इस पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी, सिर्फ 2 सीट। जब जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी तो उसको पार्लियामेंट में ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन असेंबली में बिल्कुल वो सिमट कर रह गई, 2 विधायकों की पार्टी बन गई। इसका मतलब यह है कि जेडीयू के बगैर न तो बीजेपी बिहार में बड़ी ताकत बन सकती है नंबर के हिसाब से, और न तो एलजेपी, तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि वैसे भी एलजेपी पूरे बिहार की कोई बड़ी पार्टी नहीं है, एक छोटे जनाधार की पार्टी है, लेकिन उसका एक सघन जनाधार कुछ पॉकेट्स में है। यही बात जेडीयू के बारे में कही जा सकती है, जिस तरह बीजेपी जेडीयू के बगैर बड़ी पार्टी नहीं बन सकती, सत्ता की मुख्य दावेदार नहीं बन सकती, ठीक वैसे ही जेडीयू भी बीजेपी के बगैर या आरजेडी के बगैर ऐसी बड़ी पार्टी नहीं बन सकती जो जिसके बारे में ये माना जाए कि सत्ता की मुख्य दावेदार यही पार्टी बन गई है, या कम से कम 2-3 पार्टियों में एक बड़ी पार्टी बन गई है। तो ये जो बिहार का चुनावी समीकरण इस बार है, उसको एलजेपी का ये जो एक अनाउंसमेंट है कि वो उन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है, यानी एनडीए में नहीं रहेगी, उसको बीजेपी और जेडीयू में बहुत तनाव चल रहा था 3-4 दिनों से, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत सारे उनके वरिष्ठ नेताओं के प्रेशर के बाद नीतीश को एक पोजीशन लेनी पड़ी। और वो नीतीश कुमार ने क्या पोजीशन ली कि भाई एलजेपी को क्लियर कट बीजेपी बताए कि क्या करना है। कई लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी के कुछ बड़े पदाधिकारी स्टेट लेवल के, वो भी रामविलास पासवान की पार्टी में आ जाएंगे, और जीतने के बाद अगर वो जीतते हैं तो जो वो करें, जो उनकी इच्छा हो। इसमें एलजेपी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कह दी चिराग पासवान के लोगों ने कि भाई हम तो 2005 का फार्मूला भी अडॉप्ट कर सकते हैं। 2005 के फार्मूले में क्या था, 2005 में किंग मेकर बन गए थे रामविलास पासवान, 28-29 सीट उनको आई थी 2005 फरवरी के चुनाव में, और उनकी वजह से किसी की सरकार नहीं बन पाई, राष्ट्रपति शासन हो गया, और इसके बाद फिर दोबारा चुनाव अक्टूबर में हुआ, उसके बाद हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। तो अभी जो एलजेपी की पोजीशन है वो किसको किंग बनाने के लिए है, ये तो बिल्कुल साफ है कि वो नीतीश कुमार को हरगिज नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री बने, हरगिज नहीं चाहते। तो क्या एलजेपी जो ये खेल कर रही है, इस खेल के पीछे कोई बड़ी परियोजना है, इसके पीछे जो गेम प्लान है, क्या वो कोई और प्रायोजित कर रहा है, स्ट्रेटजिस्ट कोई और है? बहुत सारे लोग बिहार में कहते हैं कि ये बीजेपी का खेल है, हम नहीं कहते, लेकिन बिहार में तो आप जानते हैं गली चौराहे नुक्कड़ हर जगह राजनीतिक विश्लेषक हैं, भले गरीबी हो, बेहाली हो, पिछड़ापन हो, लेकिन लोगों में राजनीति का गजब का जज्बा है, गजब की दिलचस्पी है और खुलकर बोलने का अंदाज है। उस बिहार में अब गली गली में कहा जा रहा है कि एलजेपी नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं रहने देना चाहती अगले चुनाव में, और ये बीजेपी का खेल है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सीटें हमारी अधिक भी आएंगी या कितनी भी किसी को आए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस चुनाव का दिलचस्प जो पहलू है, जो सबसे दिलचस्प जो पहलू है और गजब का पेंच है, वो रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी का है कि अगर बीजेपी इसके जरिए इस चुनाव में कोई बड़ा खेल करने का इरादा रखती है तो चुनाव के नतीजे क्या होंगे और अगला भावी परिदृश्य क्या होगा, और क्या इससे विपक्ष को एक बड़ी ताकत मिलेगी, क्या विपक्ष अगर कमजोर भी आज थोड़ा बहुत दिख रहा है, क्या उसकी ताकत वाकई बेशुमार बढ़ जाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।